के न्यूज कैसे हो आप लोग। बहुत सारी खबरें लाए हूं आपके लिए, स्पेशली जो एनआरआई है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया इंडियंस हैं लेकिन बाहर रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अभी तक उन्हें यूपीआई जो है पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, यूपीआई का सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब एनपीसीआई ने अनाउंस किया हुआ है कि नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स जो है वो भी अब यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। नाउ दैट इज गुड, मतलब इंटरनेशनल नंबर्स होंगे, इंडियन नंबर्स नहीं होंगे, फिर भी उन्हें यूपीआई से पेमेंट करने आ जाएगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब कोई यूएस में होगा, उसके फोन से वो आपको इधर पेमेंट ट्रांसफर कर पाएगा। आई डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू वर्क, लेकिन अगर ऐसे कुछ होता है That will be a breakthrough, major breakthrough. Apple की तरफ से खबर आ रही है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से। वैसे अगर बात करूं तो MacBook Pro जो OLED डिस्प्ले के साथ होने वाला है 2025 का, वो टच स्क्रीन होने वाला है। Yes, you are going to have a MacBook Pro with OLED टच स्क्रीन डिस्प्ले। Fantastic, मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात कहूं, जो स्टीव जॉब्स थे, जी हाँ, फाउंडर ऑफ एप्पल, जो अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत गालियां दी हुई थी टच डिस्प्लेस को, और अब वही लॉन्च कर रहे हैं विद टच डिस्प्ले। मैं लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। iQOO 11 इंडिया में लॉन्च हो गया है दोस्तों, उसका वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, हमने ऑलरेडी लाइव कर दिया है। यस, ऑल एंड ऑल आउट एंड आउट फ्लैगशिप डिस्प्ले है। 16GB तक रैम आती है, LPDDR5X है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, 120 वॉट चार्जिंग, 8 Gen 2 सब जबरदस्त आए हुए, और इसकी प्राइस जो आई हुई है फॉर 8 256 वेरियंट अंडर 60,000 ऑफर्स वगैरह के साथ और भी 5,000 से कम हो जाता है। Wow, I'll definitely say it is a value for money flagship. वैसे अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बात करने से पहले बता दूं कि हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं दोस्तों, उधर हम कुछ गिव अवे वगैरह करने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसके अनाउंसमेंट सब चालू होने वाले, तो ट्रैक इन टेक हैंडल है इंस्टाग्राम ट्विटर पे एंड फेसबुक पे, जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत सारे आ रहे हैं गिव अवेज। जहां इधर नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे जरूर करेंगे, सिर्फ आपके लिए। अब बात करते हैं अपकमिंग लॉन्चेस की। सैमसंग गैलेक्सी S23 प्री रिजर्वेशन जो है इंडिया में चालू हो चुका है। यस, तो अगर आपको S23 प्री रिजर्व करना है, इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक वगैरह चला गया तो मिलेगा नहीं बाद में, अभी आप रिजर्व कर सकते हैं। 2,000 रुपए 1,999 देना है आपको और आप प्री बुक कर पाओगे, और उसका फायदा है 5,000 रुपए के बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप प्री रिजर्व करते हो। सोशल मीडिया दोस्तों सीरियसली, मतलब क्या प्लेटफॉर्म हो गया है, ऐसी खबरें फैलती हैं पूछेगा मत, लेकिन उनमें से जो भी खबरें होती है ना, कभी कभी अफवाहें होती है। फॉर एग्जाम्पल, और ये अफवाह नहीं थी, दिस इज WTF न्यूज ऑफ द डे। तो एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है VI वोडाफोन आइडिया के, उन्होंने कस्टमर सपोर्ट कॉल पे किसी को बताया कि हाँ, हमने सिर्फ 5G सर्विस जो है दिल्ली में लॉन्च कर दी है वी की। अब दोस्तों ये वोडाफोन ने स्टेटमेंट में टाइम्स ऑफ इंडिया को बता दिया कि नहीं भाई, हमने हमारे 5G सर्विसेज लॉन्च नहीं किए। तो अगर उस अफवाह में आके या उस वो खबर पढ़ के आपको लग रहा था कि, और आप अगर वी के कस्टमर हो, आपको लग रहा था कि 5G आने वाला है, नहीं, इनफैक्ट उनके जो वी के CEO है अक्षय मुंद्रा, उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हम 5G रिलीज करने वाले हैं, अभी मतलब इन नियर फ्यूचर प्लान्स नहीं है, तो वी का 5G इतना जल्दी नहीं आने। चलिए लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, X90 सीरीज के लिए बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। वीवो की जो X90 सीरीज है, वैसे उसका हमने वीडियो कर दिया है चाइना से मंगा के, वीडियो जरूर देखिएगा, क्या जबरदस्त कैमरा है दोस्तों, 1 इंच का सेंसर है, एंड फाइनली ऐसे लग रहा है कि इट इज कमिंग नियर ग्लोबल लॉन्च। जो वीवो X90 की होने वाली है वो होगी अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब। इनफैक्ट प्री ऑर्डर्स पे ग्लोबली ये Jan 27 से लेके Feb 2 तक जाने वाला है, एंड लॉन्च होगी Feb 3 को। जी हाँ, और इसी जो प्राइस आई हुई है, कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज में, तो वो 70,000 के करीब आई हुई है। सो Even at 70,000, wow, what a phone that is. अब Oppo के बारे में बात करते हैं दोस्तों। Oppo Find N2, उनका जो flip variant है, flip global variant है दोस्तों, ये NBTC website पे आ गया है। बहुत जल्दी ये थाईलैंड में लॉन्च होने वाला है, ऐसी खबरें। Now take it with a pinch of salt. लेकिन अगर specs के बारे में बात करूँ, 6.8 inch FHD plus 120Hz AMOLED screen है, 3.26 inch का cover display आता है, क्योंकि flip है तो बड़ा display है, 3.26 inch का। Dimensity 9000+ processor है, 50 MP का IMX 890 कैमरा है, एंड 4300 mAh की बैटरी है विद 44 वॉट चार्जिंग। यस, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में, मतलब फेब या मार्च में इंडिया में डेफिनेटली लॉन्च होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू सी अनदर फ्लिपेबल फोन अदर देन सैमसंग एंड मोटोरोला। चलिए रेडमी नोट के बारे में बात करते हैं। नोट सीरीज तो लॉन्च हो गई है, लेकिन रेडमी नोट सीरीज में रेडमी नोट 12 टर्बो भी आने वाला है, उसके स्पेसिफिकेशंस भी आ गए, और ये शायद पहला फोन हो सकता है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 पे आएगा, जो इंडिया में लॉन्च होगा। 6.67 इंच FHD प्लस OLED डिस्प्ले होने वाला है, 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5,500 mAh की बड़ी बैटरी होगी, 67 वॉट चार्जिंग। ऑलराइट, रैपिड फायर, यह सेगमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगता है,
व्हाट्सएप के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट्सएप प्रॉक्सी बहुत जल्दी आ रहा है, अब बीटा यूजर्स को ये मिल गया है। यस दोस्तों, रूमर्स ऐसी है कि सैमसंग, उनका सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस जो है ये 2024 में डिच करने वाले हैं। तो प्लस वेरिएंट नहीं आएगा, 2023 में आने वाला है लेकिन 2024 में नहीं। सेल का समय आ गया है जी, 2 महीने चले गए लास्ट सेल को, तो समझिए कि सेल नए चालू होने वाले हैं। अमेजॉन ग्रेट रिपब्लिक सेल अनाउंस कर दिया है, जैन 17 से लेके जैन 20 तक 3-4 दिनों तक चलने वाला। और अगर अमेजॉन ने अनाउंस किया, फ्लिपकार्ट कैसे नहीं अनाउंस करेगा। फ्लिपकार्ट ने भी उनका बिग सेविंग्स डे सेल अनाउंस कर दिया है फ्रॉम जैन 15-20, इनका 5 दिन का चलने वाला है। वाह। एंड फाइनली रीब्रांड, आजकल बहुत ज्यादा रीब्रांडिंग हो रही है। रेडमी नोट 12 सी दोस्तों पोको C55 के नाम से रीब्रांड होके आने वाला है एज पर लीक्स। चलिए दोस्तों, आज का वही टेक इन टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 1433 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिए, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।